अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। और आज हम यहाँ हैं ग्लोबल नारी सम्मान अवार्ड्स पे, जो एक सशक्त नारी को एक प्लेटफॉर्म देने का जरिया है। एक ऑब्जेक्टिव जो ग्लोबल नारी सम्मान का है कि लेट्स नॉट वेट फॉर अप्रिशिएशन फ्रॉम समबडी एल्स, अप्रिशिएट आरसेल्फ। तो इसी के आयोजन में आज हम हैं प्रेस क्लब ऑफ मुंबई, 7 तारीख, कल को हम महिला दिवस मनाएंगे। बट आज हमारी जितनी भी अवार्डीज हैं उनसे एक परिचय मैं कराना चाहूँगी। आज की हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो है सुमिता सुमन सिंह जी, फातिमा जी। हमारी होस्ट रही हैं लुब्धा पुरवाल जी, हमारी जो कुलीग रही हैं वो दीपिका कपासिया जी, वी हैड डॉक्टर लीना जी, सुमन जी, वी हैड कासलीवाल जी, मिसेस कासलीवाल, वी हैड मनोरमा जी। बहुत ही प्रेरित रहा और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये अवार्ड सिर्फ अवार्ड नहीं है बट एक प्रेरणा है हमारी आसपास की महिलाओं के लिए कि यस, हम जो कर रहे हैं ना उसका एक प्रेजेंटेशन है। तो इस अवार्ड को सिर्फ एक फ्रेम या एक लकड़े का टुकड़ा न समझ के इसको हमें इस तरीके से लोगों को प्रेरित करने के लिए हमें ये लेना है। और ऑफ कोर्स ग्लोबल नारी सम्मान अवार्ड जो एक सशक्त नारी के लिए दिया गया है, सारे हैप्पी फेसेस हम देख रहे हैं। और यस, नॉट यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे आज की इवेंट की दीपा नारायण झा जी, जिन्होंने अपने मौल्यवान समय निकाल के इस प्रोग्राम में आने की एक इच्छा व्रत की और वो खुद प्रेजेंटेबल रही। थैंक यू हेलो मुंबई इस इवेंट को कवर करने के लिए। और मैं तहे दिल से हम सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बधाइयाँ देती हूँ। सिर्फ ये पहला साल नहीं या तीसरा साल नहीं, हर साल हम इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे मनाएं। ग्लोबल नारी सम्मान का एक सम्मान जो वर्ड है वो उसको सीमित न रख के अपने खुद के लिए एक सम्मान की जगह बनाए। जब हम हमारे आँखों में हमारे लिए सम्मान देखेंगे तो दुनिया हमें हमारी सम्मान करेगी। सो इससे बढ़कर और कोई इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। एंड थैंक यू सो मच।